हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की ऐसी कूल ट्रिक या हिडन ट्रिक जो आपके बहुत काम आने वाली है एंड देन बहुत फायदेमंद होगी, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस टेक्स में। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूँ वो है व्हाट्सएप स्टेटस को लेके। अगर आपने देखा होगा, आप बहुत सारे स्टेटस देखते हैं, पर जैसे मान लीजिए आपने ये स्टेटस देखा, स्टेटस देखने के बाद होता क्या है, ये कुछ टाइम के बाद हिडन हो जाता है और आप पूरा पढ़ भी नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं इसको पूरा पढ़ना तो आपको करना क्या होगा, इसके बारे में एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं। या फिर आपको पैसे उंगली होल्ड करके रखना पड़ता था तब जाके आप उसको पढ़ पाते थे, तो मैं एक ऐसा हिडन फीचर बताने वाला हूं जिससे आप इसको रोक पाएंगे और इजीली पढ़ पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, लाइक आपको जो स्टेटस देखना है उस पर जाके आपको थ्री फिंगर ऐसा रखना है स्क्रीन पे एंड देन आपको छोड़ देना है, स्क्रीन पे ऐसा रख के एंड देन छोड़ देना है। और ये जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक ये हटेगा नहीं, आप इजीली इसको पढ़ पाएंगे एंड बिना स्टेटस को हटाए, मतलब स्टेटस हटेगा भी नहीं, ना आपको फिंगर टच करनी ना कुछ करना। देख रहा हूं मैं कहीं भी टच नहीं करा हुआ और ये स्टेटस यहां पर होल्ड हो चुका है। आप चाहे कोई सा भी स्टेटस हो, अभी आप इसको टच करेंगे हट गया, अब लाइक ये वीडियो है तो मैं इसको यहां भी ऐसे रोक दूंगा तो ये भी यहां पर रुक जाएगा। तो जब तक ये रुका रहेगा, जब तक आप टच ना करेंगे दोबारा, तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है। और जो मैं इसके आगे वाला फीचर बताने वाला हूँ वो भी स्टेटस को लेके। होता क्या है, कभी आपने देखा हो कुछ आपने स्टेटस डाला हुआ है, जैसे आपने कुछ स्टेटस डाला है अपने दूसरे मोबाइल से, स्टेटस डाल के रखा हुआ है, आपने तीन चार स्टेटस डाले हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये स्टेटस अगर आपका कोई फ्रेंड मांग रहा है तो आप उसको सेंड करने के लिए क्या करना पड़ता था, लाइक ये मैंने स्टेटस डाल के रखे हैं यहां पर, ये देख रहे हैं मैंने यहां पर स्टेटस डाल के रखे थे। अब कोई मुझसे स्टेटस मांगता है कोई सा भी, तो मुझे क्या करना पड़ता था, पहले जाके उसको गैलरी में ढूंढना पड़ता था, उसके बाद जाके मैं उसको सेंड कर पाता था। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, बिना कहीं जाए, बिना कुछ ढूंढे आप इसको इजीली वहां से सेंड कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, जो स्टेटस आपको शेयर करना है, लाइक मुझे तीनों शेयर करना है, तो आप उसको कर लीजिए यहां से, यहां पर एंड देन कर लीजिए फोर बेड पे, तो आप इंडिविजुअल यहां से सेंड कर पाएंगे इसको करना है। और अगर आप चाहते हैं तीनों सेंड करना तो आप उसको दबा के रखिए एंड देन यहां फॉरवर्ड पे करेंगे, तो तीनों एक साथ वहां पर शेयर हो जाएंगे, तो इजीली आप इसको शेयर कर पाएंगे एंड बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे। जो तीसरा फीचर बताने वाला हूं वो है मैसेज रिप्लाई को लेके। आपने देखा होगा कभी क्या होता है, आप किसी मैसेज का रिप्लाई भी करना चाहते हैं एंड देन उसको आप वो नहीं करना चाहते कि अपना लास्ट सीन भी आपका चेंज हो, लास्ट सीन चेंज ना हो, तो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल पे ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे। उसमें दो ट्रिक से आप कर सकते हैं, लाइक एक ट्रिक मैं ऐसे बताता हूं, लाइक आपको किसी ने मैसेज भेजा, अभी देख रहे हैं ये ऊपर नोटिफिकेशन में एक मैसेज आया हुआ है हाय का, आप इसको नीचे जाके डायरेक्ट यू रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई में जाके आप यहां से डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे तो ये मैसेज आपका रीड नहीं होगा और डायरेक्ट वहां से रिप्लाई हो जाएगा, मतलब आपका लास्ट सीन चेंज नहीं होगा पर आपका वहां से मैसेज रिप्लाई हो जाएगा। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, ये आपको अर्जेंट मैसेज करना है और वो आपकी कोई कन्वर्सेशन भी नहीं है, आप पर उसको मैसेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना खोलना होगा है गूगल, आपको बोलना पड़ेगा है गूगल ओपन द व्हाट्सएप, तो आपको यहां पर है गूगल से करवाना पड़ेगा। लाइक मैं यहां से कर देता हूं स्पीक है गूगल, तो दो तीन ऑप्शन चलते हैं, है गूगल ओपन व्हाट्सएप, तो ऐसा बोल के वहां से ओपन हो जाएगा, ओपन व्हाट्सएप करेगा है गूगल ओपन व्हाट्सएप, ये देख रहे हैं ये ओपन व्हाट्सएप हो गया है। आपको करना क्या है, लाइक आपको जिसको भी मैसेज भेजना है तो आपको उसको बोलना है गूगल ओपन व्हाट्सएप सेंड मैसेज टू मम्मी हाय, देखिए मैंने उसको बोला तो ये डायरेक्ट ये है गूगल ओपन व्हाट्सएप चैट एंड सेंड मैसेज टू मम्मी हाय, देखो मैं बोला हुआ है यस सेंड, सिंपली ये सेंड हो जाएगा, आप वहां से चाहे तो यहां से इंडिविजुअल सेंड कर देंगे। तो अब होगा क्या, ये आप में इसका आपका लास्ट सीन चेंज नहीं होगा, आपका लास्ट सीन वहीं का वहीं रहेगा, बिना ओपन करे आप मैसेज कर पाएंगे किसी को भी, आप चाहे किसी को भी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसको बोलना है, लाइक एक बार और बता देता हूं हे गूगल ओपन व्हाट्सएप एंड सेंड मैसेज टू एस ए टेक I'm seeing two WhatsApp numbers. Which one do you want to use? For example, you can say the first one. First one. ये मैसेज आप देख रहे हैं मिल गया और मैंने इसको कर दिया यहां से मैसेज, तो इसमें बिना लास्ट सीन के चेंज हुए आप मैसेज कर पाएंगे इजीली एंड बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये जो मैंने आपको बताई। एंड जो चौथी ट्रिक बताने वाला हूं सॉरी वो है गैलरी को लेके। कुछ क्या होता है, कभी आप किसी को फोटो सेंड करते हैं, कोई फोटो सेंड करते हैं, लाइक आपने किसी को गैलरी से व्हाट्सएप पे आपने किसी को फोटो सेंड करी,
लाइक यहां पर आपने किसी को कोई भी फोटो सेंड करी, ये मेरी फोटो है आपने सेंड करी, तो फोटो सेंड करने के बाद होता क्या है, ये जो फोटो सेंड होती है नॉर्मल, इसमें क्या होता है फोटो की जो साइज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये बहुत लो क्वालिटी में जाती है जिसकी इमेज की क्वालिटी बहुत भद्दी हो जाती है। और आप चाहते हैं इसको ओरिजिनल क्वालिटी में भेजना, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां आप देख रहे हैं अटैचमेंट का ऑप्शन, यहां जाइए अटैच। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ 5-6 फीचर बताया व्हाट्सएप की, हिडन सेटिंग बताई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।